खबर बैतूल जिले के मुलताई से जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस की एक अनुमान पहल सामने आई, जिसके चलते बैतूल में 24 अप्रैल से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुलताई ब्लॉक के सभी स्कूलों के बच्चों का सीएम राइज स्कूल में चयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में होने वाले आयोजन में पूरे जिले के सभी ब्लॉकों से चयनित पाँच पाँच छात्र व छात्राओं को ग्रीष्मकालीन आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा। चयन शिविर में पाँच विधाओं में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिनमें से पाँच बालक और पाँच बालिकाओं को चयनित किया जाएगा। संभवतः ये ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर मध्य प्रदेश के एकमात्र बैतूल जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में खेल अधिकारी डॉक्टर मनोज सिंह राणा ने जानकारी दी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह राणा है। मैं क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय आमला में, जो कि मुझे कलेक्टर सर द्वारा एक भार दिया गया है, कार्य दिया गया है। जैसे कि जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पे, मुलतई है, आमला है, बोड़ा डोंगरी है, सभी ब्लॉक्स में, जो चोली है, आठ, सभी ब्लॉक्स में जो बच्चे हैं 6वीं से 8वीं कक्षा तक और 9वीं से 12वीं कक्षा तक, इन बच्चों को आवासीय कैंप के लिए, 1 महीने का आवासीय कैंप जो कि जिला स्तर पर बैतूल में आयोजित होगा, उसके लिए सिलेक्शन के लिए भेजा गया है। तो आज मैं मुलतई में हूँ, जो कि एक्सीलेंस स्कूल में आज चल रहा है, जिसमें पांच विधाओं में इनको ट्रायल लिया गया है। जैसे कबड्डी है आपका, और आपका जूडो है, हॉकी है, स्विमिंग है, और आपका एथलेटिक्स है। इन पांचों जो विधाएं हैं, इनमें जितने 10 से 10 बच्चे, 10 छात्र, 10 छात्राओं का चयन किया जाएगा, जो कि कैंप के लिए, जो कि 24 अप्रैल से 24 मई तक आयोजित है बैतूल में, जो कि आवासीय है, जिसमें आपको बस रहने के, बच्चा को रहना खाना वहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि ये कि कलेक्टर साहब की बहुत ही अच्छी पहल है, जो सिर्फ मेरे ख्याल से यहाँ पे मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ही है आयोजित की जा रही है अभी तक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।